श्रीलंका के जफाना के गांव में इंडिया की पीस टीम और टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के आतंकियों के बीच एनकाउंटर चल रहा था। आतंकियों ने पूरे इलाके में बारूदी सुरंग बिछाई थी और भारत के शांति अभियान का नेतृत्व कर रहे थे मेजर रामास्वामी परमेश्वरम। इसी एनकाउंटर के दौरान जब मेजर रामास्वामी आतंकियों की ओर भागे तो उनके बाएं हाथ पे पहली गोली लगी और दूसरी गोली सीधे जाकर सीने में लगी। सीने और हाथ पर गोली लगने के बाद भी बेखौफ मेजर रामास्वामी ने अपने पास खड़े आतंकियों पे झपटा और उसका राइफल छीन लिया। इतना ही नहीं, उसे मार भी गिराया और बेसुध हालत में भी मेजर रामास्वामी अपनी टीम का नेतृत्व करते रहे और उनकी टीम ने उनके मार्गदर्शन में एक एक कर इस एनकाउंटर में 6 आतंकियों को मार गिराया। ये घटना 25 नवंबर 1987 की है, जिस दिन श्रीलंका में आतंकियों से सीधी मुठभेड़ के दौरान 46 वर्षीय मेजर रामास्वामी शहीद हो गए थे। मेजर रामास्वामी को ऑपरेशन पवन का हीरो कहा जाता है। उनकी शहादत को नमन करते हुए वीरता के सम्मान में मरणोपरांत उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मेजर रामास्वामी का जन्म 13 सितंबर 1946 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। रामास्वामी ने स्कूली पढ़ाई साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल मुंबई से 1963 में की। 1968 में SIES कॉलेज से विज्ञान में ग्रेजुएशन किया। मेजर रामास्वामी के सैन्य जीवन की शुरुआत सेना में कमीशन्ड अधिकारी के रूप में 16 जनवरी 1972 से 15 महार रेजिमेंट से हुई। अपने साथियों के बीच पेरी साहब के नाम से मशहूर मेजर रामास्वामी ने मिजोरम और त्रिपुरा के जंग में अपने युद्ध कौशल और अदम्य साहस का अभूतपूर्व परिचय दिया था। 29 जुलाई 1987 को भारत और श्रीलंका के बीच एक अनुबंध हुआ, जिसके मुताबिक भारत की इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का श्रीलंका जाना तय हुआ, जहां वो तमिल उग्रवादियों का सामना करते हुए वहां शांति बनाने का काम करे। इसी अनुबंध के तहत शांति सेना के तौर पर 8 महार बटालियन से मेजर रामास्वामी भी श्रीलंका पहुंचे थे। शांति सेना के तौर पर श्रीलंका में भारतीय सेना द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को ऑपरेशन पवन का नाम दिया गया था। 8 महार ही वो पहली बटालियन थी जिसे 1987 में श्रीलंका भेजा गया। 30 जुलाई 1987 को श्रीलंका पहुंचने के बाद भारतीय सेना के इस दल को जफाना के पेनिनसुला में तैनात किया गया। तैनाती के दौरान भारतीय सेना का टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के साथ कई बार मुकाबला हुआ। ये बात 24 नवंबर 1987 की है, जब मेजर रामास्वामी की बटालियन को इस बात की सूचना मिली कि श्रीलंका के जफाना के एक गांव में भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। मेजर रामास्वामी की टीम को उस गांव की तलाशी अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई। जिस गांव में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद पहुँचाए जा रहे थे वो LLT का मजबूत गढ़ माना जाता था। मेजर रामास्वामी ने अपनी टीम के साथ उस गांव के घर की पहचान कर उस घर को चारों तरफ से घेर लिया और उसके बाद प्लानिंग की कि इस घर की तलाशी अगली सुबह 25 नवंबर को ली जाएगी। अगले दिन जब उन्होंने तलाशी लेना शुरू किया तो LLT के उग्रवादियों ने उन पर हमला कर दिया। हमले की परवाह किए बगैर मेजर रामास्वामी और करीब 30 सैनिकों की टीम घर की तलाशी के लिए आगे बढ़ी। घर की तलाशी ली गई लेकिन वहाँ पे कुछ भी बरामद नहीं हुआ। तभी मंदिर के बगीचे से रामास्वामी की टीम पर गोलियों की बौछार होने लगी। दुश्मन की अचानक गोलीबारी से रामास्वामी की टीम का एक जवान शहीद हो गया और एक जवान घायल हो गया। LLT के काडरों ने उस इलाके में बारूदी सुरंग भी बिछा दी थी, जिससे उस इलाके में सैनिकों का जाना मुश्किल हो गया था। मेजर रामास्वामी ने इसके बाद रेंगते हुए अपनी टीम के 10 लोगों के साथ नारियल की झाड़ी की ओर बढ़े, जहां से LLT के उग्रवादियों की ओर से लगातार घात लगाकर फायरिंग की जा रही थी। इस फायरिंग के दौरान आतंकी के राइफल से निकली एक गोली मेजर रामास्वामी के बाएं हाथ में लगी और दूसरी गोली उनके सीने में। सीने और हाथ में गोली लगने के बावजूद रामास्वामी ने अपने पास खड़े आतंकी पर झपटा मारा और उसका राइफल छीन उसे मार गिराया। सीने और हाथ में गोली लगने की वजह से मेजर रामास्वामी बेसुध और निढाल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी टीम का नेतृत्व करना और उसका मार्गदर्शन करना नहीं छोड़ा और उनके मार्गदर्शन में उनके टीम ने इस एनकाउंटर में एक एक कर 6 आतंकियों को मार गिराए। लेकिन इसी एनकाउंटर में 25 नवंबर को भारत ने अपनी इस वीर सपूत को खो दिया।
मेजर रामास्वामी 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाले सैनिकों के साहस और बलिदान से प्रेरित होकर भारतीय सेना में आए थे। सैनिकों के साहस को देखने के बाद ही रामास्वामी ने 1971 में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन किया। 16 जून 1972 में वो वहां से पास हुए और इसके बाद भारतीय थल सेना की सबसे विख्यात 15 महार रेजिमेंट में वो कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पे नियुक्त हुए। तो ये थी मेजर रामास्वामी के अदम्य साहस की कहानी। वीरगति के अगले एपिसोड में बात होगी दूसरे परमवीर चक्र से सम्मानित वीर की। और तब तक आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप ये वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। और इसके साथ ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें लोकमत न्यूज़ हिंदी के साथ।